ये है मेन कॉलेज यहाँ पर। 2 साल मुझे जो है बाइक पर ही आना पड़ेगा। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ये है एमबीए का मेन कॉलेज। नमस्कार दोस्तों, इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे है, मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉग भी बना लेते। उसी के साथ मुझे कॉलेज के ग्रुप पे नोटिस मिली थी सभी को, तो 180 की बैच है हमारी, तो सभी को नोटिस मिलेगी कि आज की डेट में जो है आपके कॉलेज का फर्स्ट डे, मतलब आज से कॉलेज स्टार्ट हो रहा है और 10:30 बजे जो है कॉलेज में प्रेजेंट रहना है हमें। तो दोस्तों मेरा कॉलेज यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूरी पर है, तो मुझे बाइक से वहाँ पर जाना है अभी। तो मतलब चलिए ब्लॉग बनाते हैं, ऐसे मैंने सोचा और ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर लिया है। फर्स्ट डे है तो कुछ अलग रहता है, मतलब अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, न्यू दोस्त मिलेंगे, स्टाफ कैसा होगा, क्लासमेट कैसा होगा, ये सब कुछ मतलब क्वेश्चन तो चल रहे थे मेरे दिमाग में, तो चलिए सब कुछ देखेंगे वही। तो दोस्तों अभी निकलते हैं, तो बैग वगैरह कुछ नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट डे है, ना कोई नोटबुक्स है ना कोई बुक्स है, तो ऐसे ही जाएंगे। बस जस्ट मैंने बाइक की चाबी गॉगल उठा लिया है। उसी के साथ दोस्तों फ्लैट में तो मैं अकेला हूँ, मतलब किसी को बाय करने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों मैं अगर गांव में रहता या आई पापा मेरे इधर रहते तो मैं कॉलेज का फर्स्ट डे है तो उनको बाय भी करता और उनसे आशीर्वाद भी लेता, तो ऐसा कुछ सीन नहीं क्योंकि अकेला ही हूँ यहाँ पर अभी मैं। तो बस निकलते हैं अब। तो दोस्तों ये गाड़ी हमारे पास आज, तो चलिए निकलते हैं। तो दोस्तों मैंने एमबीए के लिए एडमिशन लिया है, अगर आपको पता नहीं तो। तो दोस्तों इसी तरीके से अब 2 साल मुझे जो है बाइक पर ही आना पड़ेगा। मुझे पता नहीं कि यहाँ पर पीएमटी अवेलेबल है या नहीं, फिर भी हमारे पास बाइक है तो नजदीक पे उतना दूर भी नहीं है, तो बाइक से ठीक है। तो दोस्तों कॉलेज के पास कुछ इस तरह का जो एनवायरनमेंट है, एक वीआईपी एरिया है प्राइड सिटी बोल के। यहाँ का जो रास्ते और जो साइड में बिल्डिंग्स है काफ़ी अच्छे लगते हैं, स्पेशली ये वाला, तो दिवाली में इसको इतना अच्छा सा सजाया था। तो दोस्तों कॉलेज में एंटर हम कर चुके हैं, तो ये जो देख रहे हो सामने ये अजिंक्य डी वाई पाटिल का मेन डोम है, मतलब कि सेंटर ऑफ द कॉलेज कह सकते हो, मतलब कॉलेज का ये सेंटर है। और यहाँ से आपको ढेर सारे कॉलेज है, जैसे कि डेंटिस्ट है, होटल मैनेजमेंट, सभी कॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और रास्ते भी काफ़ी अच्छे, कैंपस मुझे बहुत पसंद आया, हम बाद में देखेंगे। और ये सेंटर है, यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का जो है एक स्टेचू बनाया गया हॉर्स का, आगे भी देखेंगे हम। गाड़ी पार्किंग कर ली है, तो दोस्तों गाड़ी पार्किंग कर ली, अब जो है हमें अंदर जाना है, अब सबके सामने बात करनी है वगैरह नहीं होगी, तो कुछ नज़ारे आपको हम दिखाएंगे। तो दोस्तों ये है मेन कॉलेज, डी वाई पाटिल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पूरा मतलब एमबीए का एक कॉलेज है मेन कॉलेज, ये पूरा बिल्डिंग आप देख सकते हैं यही एमबीए की है। और जो ये सामने कुछ इस तरह का गार्डन बनाया गया है, अब कॉलेज में एंटर करते हैं। दोस्तों कॉलेज का ग्राउंड फ्लोर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो भी एडमिशन की प्रोसेस मेरी यहीं पर हुई थी। तो दोस्तों इस तरह का क्लासरूम है यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में मैं लेट आया था इस वजह से, अभी सभी जा चुके हैं तो दिखा रहा हूँ, मतलब पूरा एसी और फुल्ली लाइट डिजिटल रूम है, काफी अच्छा लगा क्लास हमें। तो दोस्तों 3-4 लेक्चर हो चुके हैं अभी, तो तीनों भी लेक्चर में कुछ पढ़ाया नहीं, जस्ट इंट्रोडक्शन लिया और फर्स्ट डे से जो है अटेंडेंस भी स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी क्लास छूट गया है, मतलब इंटरवल है, तो अभी हम जाएंगे कैंटीन, कैंटीन भी देखेंगे यहाँ का कैसा है क्या नहीं। तो दोस्तों कैंटीन वगैरह सब कुछ अच्छा है, तो अभी खाना हो चुका है और अभी हम स्पोर्ट ग्राउंड पे आए हैं।
दोस्तों अभी हम जो है कैंपस घूम रहे हैं, काफी अच्छा कैंपस है, क्राउड भी काफी है, लेकिन हर जगह जो है शूटिंग करना पॉसिबल नहीं, तो मैं जस्ट ऐसे ही बना रहा हूँ। बाद में एक डेडिकेटेड पूरा कैंपस का ब्लॉग मैं बनाऊंगा यहाँ। डरता है अब ग्राउंड डाले भी स्टार मारा आपका 9 नंबर ना। तो दोस्तों आज के जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुके हैं, अभी मैं पार्किंग में आया हूँ, तो यहाँ से गाड़ी निकालते और निकलते काफी अच्छा कॉलेज लगा और स्टाफ भी काफी अच्छा है। तो दोस्तों कॉलेज का फर्स्ट डे काफी अच्छा गया और अब जाएंगे फ्लैट पे, हम निकल चुके हैं और बाकी के बातें वहां पर करेंगे। सुबह जो है कॉलेज से निकल पा मैं फ्लैट पे आया हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी हम फ्लैट पे आए हैं, तो सोचा था जैसे कि काफी अच्छा स्टाफ था, उसके साथ दोस्त भी काफी बने। तो दोस्तों अभी जो है मैं कॉलेज से फ्लैट पर आ चुका हूँ। दोस्तों मतलब जो कि मैंने इस वीडियो के जरिए अपना जो है MBA का फर्स्ट डे जो था कॉलेज का फर्स्ट डे वो जस्ट आपको दिखाने का प्रयास किया, मतलब कैसे गया फुल डे, मतलब जो भी शूट कर पाया उतना तो शूट किया, काफी और भी एक्टिविटीज हुई इस वीडियो को छोड़कर, लेकिन जितना शूट हुआ उतना शूट मैंने किया क्योंकि सभी लोग जो है नए थे, इस वजह से काफी जो है काफी इंटरेस्टिंग बातें भी हुई हमारे साथ, वो मैं शूट नहीं कर पाया। मतलब आज का डे पूरा इंट्रोडक्शन में ही गया, मतलब हमारा इंट्रोडक्शन टीचर्स को देना वो हमें दे रहे थे और बाकी कुछ फ्रेंड भी हुए, साथ में बैठकर हमने खाना भी खाया, काफ़ी अच्छे दोस्त भी बने, उसी के साथ स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है कॉलेज का। वॉजिंग के DY पाटिल लोहेगांव का कॉलेज जो है, लोहेगांव का कॉलेज, वहाँ पर जो है MBA के लिए मेरा एडमिशन है, काफ़ी अच्छा स्टाफ था, मतलब उनका बात करने का तरीका एकदम फ्रीली, जो मतलब सीनियर कॉलेज में जो मज़ा होता है वो मैंने आज खास लिया है। तो इस वीडियो के जरिए दोस्तों मैंने आपको ये फर्स्ट डे दिखाया, और अगर फ्रेशर पार्टी का भी वीडियो ब्लॉग बनाना मुझे लगा कि बनाएंगे तो वो भी बनाऊंगा, वो भी इस चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। तो चलिए तब तक तो दोस्त भी बनेंगे और ब्लॉग में दोस्त भी आएंगे, तो चलिए मिलते हैं इसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।